जब जी आपका कॉल आके गया तब मैं ड्राइव कर रहा था और कई लोग मम्मी सब लोग साथ में भी थे, तो ड्राइव के बीच में तो मुश्किल हो जाती। और तो अभी मैं आपको लगा के देख रहा हूँ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सुना पहला आवाज रत्नो की बन सी हो रत्नो आवाज नहीं करेगी कुछ हालू कर दो पाछो। चारुलता जी भवत्याह नाम किम? हाँ बोलिए। शिवानी जी भवत्याह नाम किम? हाँ आपको स्क्रीन भी दिख रहा है ना चारुलता जी? अभी दिखता है। हाँ अभी दिखा। मम्मा नाम है चारुलता। शिवानी जी से भी पूछ लीजिए, आपको मेरा तिलक दिख रहा है ना? आपको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। जय श्री राम वाला। हाँ ये वो सूर्य सूर्य सूर्यवंशी वाला सा। हाँ हाँ ये दशरथ महाराज के चेहरे पे मैंने पहली बार देखा था, तो ये जो सेंटर के ऊपर वाली लाइन है ये उनके उसमें नहीं थी, उसमें प्रॉपर सूरज बना रहता था, पर मैंने थोड़ा सा बदल के लगाया। खैर मैं हर दिन बदलता रहता हूँ अलग अलग, कभी लाल कभी पीला अच्छा है। कभी ऑरेंज कभी। ट्राई करते रहना चाहिए। और मेन ये है ना कि आज्ञा चक्र यहाँ थोड़ा ऊपर होता है, तो असल में ऊपर तक मैं तिलक लगाता ही हूँ हमेशा, और फिर यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइन बना लेते हैं। आपका तिलक का है? हाँ जी बोलिए। शिवानी जी भवत्याह नाम किम? मम नाम शिवानी। अभी आगे पूछिए आप कुछ और, या सेम भी पूछ सकती हैं चारुलता जी से। कर रही थी कि स्क्रीन मेरे पे भी को मैंने रखा है, तो आप वहां से सहायता ले सकती हैं। पटसी चारुलता जी मामा संस्कृतम पठामी। मम कि अहम? अहम संस्कृतम पठामी। क्या अंतर है अहम और मम में? मम मतलब मेरा, जैसे आपने बोला ना अहम मम मतलब नाम नहीं। शिवानी, आपने अभी उत्तर भी दिया था मम नाम शिवानी, तो मेरा हाँ नाम हाँ शिवानी, हाँ तो और या फिर आप बोल सकती हैं अहम शिवानी, तो मैं शिवानी हूँ, मैं हाँ तो अहम मतलब मैं और मम मतलब मेरा। जी मम ना पुस्तकम, ये मम जेठा माता, सोना। मम पिता, तो जब भी मेरा कहना है तो हम मम कहेंगे। उसी तरह ये जो भवत्याह और भवतः हमने देखा है पहले, जैसे मैं बोलता हूँ भवत्याह नाम किम या भवतः नाम किम किसी लड़के को, तो वो भी आपका है। ये यहाँ पे इसका अर्थ भी लिखा है हमने, आपका। और यदि सिर्फ आप बोलना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो जैसे किम पठसि भवान या भवती, ये जो लिखा हुआ है, तो ये आप है। भवान या भवती इज जस्ट आप। और आपका बोलना है तो फिर उसी का भवतः या भवत्याहा, ये दोनों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से वो हो जाता है। भवान भवती भव वो क्या होएगा दूसरा भवत्याह ये हो गया। हाँ और भवत्याह मेल क्या लड़की, है भवत भवतः भवत। भवतः, विसर्ग को अलग से आप उच्चारण करेंगे हमेशा भवतः। अच्छा हाँ ओके।
ठीक है, तो अभी मैं और मेरा में अंतर भी समझ में आ गया। अभी आप शायद ये कह सकती हैं कि हाँ याद आ गया, क्योंकि समझ में तो पहले भी याद आ आया गया, चुका याद आ गया, हाँ तो सही इसको भी आप बात। जैसे अभी बोल रही ना कि आप सफाई का काम कर रही हैं, तो कोशिश कर सकते हैं बीच बीच में उसमें संस्कृत घुसाने की। जैसे आप बता रही हैं कि मैं सफाई कर रही हूँ, तो अहम हाँ, प्रक्षालनम करोमि, तो प्रक्षालन जो है, प्रक्षलानम। प्रक्षालन हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट आगे की किसी स्क्रीन पे लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा जगह होगी। हाँ इधर जो कक्षा वाला अक्षा होता है वो वाला हाँ प्रक्षालनम करोमि, तो मतलब सफाई कर रही हूं मैं। अच्छा, आपने हस्त प्रक्षालन सुना है, हाथ धोना है हाँ ना, और हाँ मंदिरों में भी कई जगह लिखा होता है हस्त प्रक्षालन, पाद हाँ प्रक्षालन, पैर धोना, तो हाँ प्रक्षालन मतलब धोना या सफाई करना। हाँ ठीक है, तो उसमें बिल्कुल आप तो अहम उपयोग कर सकती हैं उसको, प्रक्षालनम करोमि करोमी करोमी। हाँ, करोमि। और अहम कई जगहों पे ऑप्शनल भी होता है, मतलब आप सिर्फ हाँ प्रक्षालनम करोमी बोलेंगी तो भी उसका वही मतलब होगा कि मैं प्रक्षालन कर रही हूँ, क्योंकि करोमी अच्छा, जो है वो सिर्फ मैं के साथ ही लगता है ना, वो किसी और के साथ आप नहीं लगा सकते, हाँ, कोई और कर रहा होता। जैसे अब मान लो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं चारुलता जी को बता रहा हूँ कि शिवानी जी सफाई कर रही हैं, तो मैं बोलूंगा कि चारुलता महोदया, शिवानी महोदया प्रक्षालनम करोति, तो तब मैं ती लगाऊंगा, क्योंकि मैं थर्ड पर्सन मतलब किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके, है ना, ये थर्ड पर्सन है, मतलब जिसको हम संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। अच्छा, करोमि करोति। हाँ, और करोमी जो है उत्तम पुरुष, जिसको हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और हिंदी और संस्कृत दोनों में उत्तम पुरुष, जो मतलब मैं खुद के लिए जब हम बोलते हैं तो वो उत्तम पुरुष होता है, किसी और के लिए जब बोलते हैं तो वो प्रथम पुरुष है। और करोमी तो मैं अपने लिए बोलूंगी, अहम प्रक्षालनम करोमी, और जब आप बोलेंगे करोती हो हाँ, जाएगा। तो शिवानी प्रक्षालनम करोति, तो अच्छा, मतलब शिवानी प्रक्षालन कर रही है, मैं ये बोलना चाह हाँ रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब हाँ यदि मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ कि त्वम किम करोसि, वो आपने ध्यान दिया अच्छा कि जब हम आप अपने सामने वाले से डायरेक्ट पूछ रहे होते हैं तब हम सी लगाते हैं अंत में, हाँ हाँ है ना, तो हाँ क्योंकि हम वो है मध्यम पुरुष, जब आप सीधे किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं तो उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। एक मिनट आंसर दीजिए, एक मिनट। हाँ चारुलता जी को तो ये चीजें, चारुलता जी आपको आवाज आ रही है ना, आप म्यूट पे हैं, अच्छा, तो आपका जो भी फोन या कंप्यूटर है उसमें जब भी आप बोल रही हैं तो एक बार वो माइक का वो चेक कर लीजिएगा, अभी आवाज आ रही है, हाँ जी, और बीच बीच में यदि आजू बाजू कुछ शोर होता है या कुछ तो आप म्यूट का नहीं बटन अभी दबा नहीं होगा, दीजिए। मैं सेपरेट रूम में हूँ अभी। अच्छा, बढ़िया। क्या बोलेंगे, क्षमा क्षमा प्रार्थी, व्हाट, गैप के लिए क्या बोलेंगे, जो ब्रेक लेते हैं तो क्या बोलेंगे? आप सिर्फ इतना बोल सकती हैं आगच्छामि, तो आती हूँ मैं, अच्छा, तो अगच्छम। हाँ, या क्षमस्व आगच्छामि, तो मतलब माफ कीजिए मैं आती हूँ, आप ये बोलना चाहती हैं, तो क्षमस्व जो है क्षमा क्षमस्व। कीजिए, हाँ और
क्षम्यताम भी बोलते हैं, यदि कई लोगों से आप बोल रही, जैसे कक्षा में होता है ना कि हम सब लोगों से बोल रहे हैं कि मुझे क्षमा करना, एक्सक्यूज मी के लिए क्षमस्व, तो क्षमस्व एक इंसान एक मनुष्य से बोल रहे हैं तो क्षमस्व, कई लोगों से आप बोलना चाहती हैं कि जैसे अपन किसी रूम में थोड़ा देर से पहुंचे या कहीं जाना है, तब फिर क्षम्यताम कह सकते हैं। सॉरी हाँ जी अभी देखा एक बार शिवानी जी। हाँ अब नजर आई शिवानी जी चमकती सराउंड एकदम चांद जैसा है गोल गोल। हाँ वही मैं बोल रहा, चमक रही है शिवानी जी बिल्कुल। तेल लगा के बैठी हो चंपी करा के बैठी हो सर दुख रहा है। देखो उसका एक वाक्य का प्रयोग भी है, वो श्लोक है ना, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। क्षमस्व पैर लगा थी तो मेरे को पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। वो हर एक पूजा के बाद वो करते हैं ना। हाँ नहीं हम तो सुबह भी हमसे कोई गलती ना हुई हो उसके लिए माफ करें भगवान से भी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, धरती माता की माफी है। जैसे हम पैर रखते हैं ना बेड में से, तो किसी को पैर लगा ही तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आपको मेरा पग लगे तो मैं माफी सॉरी बोलती हूँ ना। और कोई चीज को लग जाए, कोई बच्चे को लग जाए, कोई बूढ़े को लग जाए, तो हम उसको माफी मांगते हैं। वैसे धरती माता है ना वो सहनशील है बहुत, तो उस पर हमारा पैर पड़ा ना पहला बेड में से उठ के, तो हमको माफी मांगनी चाहिए कि मैं जब पैर रखती हूँ इसीलिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, समुद्र वस्त्र है, तीन भाग पानी है ना पृथ्वी पर, थ्री फोर्थ पानी, वन फोर्थ जमीन, तो समुद्र वस्त्र है तुम्हारा। समुद्र पर्वत स्तन मंडले, जो पर्वत है जो डूंगर है माउंटेन से, वो तेरे स्तन है, मतलब कि बालक का पोषण स्तन से होता है ना, तो उसमें सबको सब पानी मिल, नदी आती है पानी मिलता है, खनिज मिलती है, कोयला मिलता है, कुछ 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 क्या क्या नहीं मिलता है पर्वत में, सब मिलता है। और नदी हजारों गांवों को ग्रीन रखती है, एवरग्रीन नदी पास होती है। तो ये समुद्र वसनी पर्वत स्तन मंडले, आपके स्तन पर्वत है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पृथ्वी है तो विष्णु भगवान की पत्नी है, वाइफ है विष्णु जी की। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम, मेरे पैर आपको लगते है ना तो क्षमा स्वामी मेरे को माफ कर। किसी को पैर नहीं मार सकते ना हम। हम कितने कितने बड़े ये पूना जाते हैं तो टनल आती है, वो पृथ्वी माता की छाती को साफ करके उसने टनल बनाई, ट्रेन गई बोगदे में से अंदर से, फिर कितने कितने कारखाने किए, कितना हाई राइज बिल्डिंग किए, तो जितना बाहर है उतना अंदर है जमीन के अंदर। तो ये सब हम पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन पृथ्वी बहुत सहनशील है, कुछ बोलती नहीं, क्षमा ही करती है हमको। तो पाद स्पर्शम क्षमस्व, मैं तेरे पे पैर रखती हूँ उठ के तुरंत, तो मेरे को माफ कर, ऐसा मैंने। अच्छा पाद स्पर्शम क्षमस्व में, क्षमस्व में मैं मतलब मेरे को क्षमा करो। ये त्रिकाल संधि है ना स्वाध्याय की, उसमें दूसरा नंबर का पहला है कर अग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तो गोविंद प्रभाते कलश। आगे लक्ष्मी है, यहाँ काम करेंगे ना वो, अभी अब अंशुजी लगाते है ना वो कंप्यूटर से टिक टिक करके हमको बुलाते तो यहाँ किया, तो जो काम करेगा उसको पैसे मिलेंगे। कर अग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती, ये जो मूल है रिस्ट पर वो नहीं होगा तो हम लिख नहीं सकेंगे, तो मूर्ता है चारे तरफ मूर्ता है, तो लिखना लिखने के लिए ये लिखना के लिए ये जरूरी है। मेरी लक्ष्मी आप लोग हैं, मेरे को पैसे से कोई मतलब नहीं है पर। अरे ऐसे नहीं बोलती हूँ, आपकी बात नहीं चलो, सोनी की बात करो, कारपेंटर की बात करो, काम करते तो ही मिलेगा ना। हाँ हाँ हर किसी के लिए लक्ष्मी अलग अलग है, लक्ष्मी का रूप यहाँ आगे आगे लक्ष्मी सरस्वती यहाँ विद्या है, विद्या देवी है यहाँ, इसे मूर्ति सरस्वती है। रोंग है वो, रोंग है,
मैं आपको सुभाषित पांडे से फोटो भेजूंगी। करम पछी सुनो करम मूले सरस्वती करम मध्य तो गोविंद बीच में गोविंद यहाँ। अच्छा हमारे इसमें कर मूले गोविंद हैं और गौरी भी कहते हैं। वही करते हैं सुबह वही बोलते कर मूले गोविंद प्रभाते तू कर दर्शनम। करम मूले करम मध्य गोविंद क्यों? क्योंकि हमारे बहुत बढ़ेगा, अरे बहुत पैसा वाला हो जाएगा लक्ष्मी से और सरस्वती से भी बहुत विद्वान हो जाएगा तो वो उद्धत हो जाएगा रावण जैसा। लेकिन उसके लाइफ के सेंटर में भगवान है गोविंद है तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा। राम बनेगा, राम रावण नहीं बनेगा। तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए बीच में गोविंद ये है। और हम प्रसाद लेते हैं सत्यानंद का प्रसाद कैसे लेते हैं? हाथ में लेते हैं तो गोविंद को लगा के हम खाते हैं गोविंद के बीच में तो ऐसा प्रसाद हम लेते हैं। अभी कोई देगा चरणामृत वो क्या पंचामृत तो हम हाथ ऐसा करते हैं इसे और बीच में देता है तो गोविंद को देता है तो गोविंद से हमारे पेट में जाता है। करम मध्य गोविंद प्रभात है कर दर्शन इसीलिए सुबह हाथ का दर्शन करो। हाथ का कर्तृत्व का प्रतीक है हाथ कर्तृत्व सामर्थ्य और विद्या। तो बीच में ही गोविंद चाहिए। लॉजिक है इसमें कि दोनों नहीं होंगे ना तो रावण हो जाएगा। नहीं दोनों होंगे तो पैसा और विद्या दोनों होगा तो वो रावण हो जाएगा। रावण कितना शक्तिशाली था सोने की लंका थी उसकी। फिर वो तो वेदों को उसने क्या दिया स्वर दिए चार वेदों को तो। लेकिन उसके जीवन में बीच में कौन था? भगवान नहीं था राम है। वो खुद खुद को राम मानता खुद भगवान मानता इसलिए उसका नाश हो गया। ये दोनों रहेंगे ना लक्ष्मी और सरस्वती तो कभी आदमी और इसके लाइफ के सेंटर में भगवान करम मध्य तो गोविंद तो नहीं होगा। ऐसा पीते हैं ऐसे पी जाते हैं कोई जल देगा कुछ कुछ श्रीनाथ जी जाते हैं ना तो वो पानी पी जाते हैं गंगा जल तो ऐसे पीते हैं तो गोविंद को लगा के पीने का ये उसका मीनिंग है। सुबह उठ के ये श्लोक बोलने का फिर समुद्र वसने दे ये बोलने का फिर वसुदेव वसुतन देगा भगवान को याद करना ये कंपल्सरी है। त्रिकाल संध्या सुबह उठ के तुरंत करने की बेड में ही बोल देने का तीनों श्लोक फिर पैर नीचे रखने का ऐसा मैं कहता हूं। ये वाला कहता हूं और गुरुदेव दत्त और अपनी कुलदेवी का नाम और फिर गायत्री मंत्र ये चारों बोल मैं पलंग से उठता हूँ। तो चलिए अभी प्रश्न का उत्तर। आजी, आजी। भवती संस्कृतम पठती वा पठसी वा चारुलता महोदय? अहम संस्कृतम वदामि अहम संस्कृतम पठामि अहम संस्कृतम लिखामी और पसंद है उसको क्या बोलते हैं अच्छा लगता है मेरे को संस्कृतम शोभनम या संस्कृतम हाँ आप शोभनम बोल सकती हैं संस्कृत अच्छी लगती है। आम संस्कृतम शोभनम शोभनम नहीं शोभा का कुछ क्रिया चाहिए ना जिसे पठामी बदामी है लिखामी है वैसे है तो उसको पसंद तो हर शब्द के साथ अलंकार बदल जाएगा ना। हाँ एक मिनट अच्छा। पसंद के लिए हाँ शोभनम थोड़ा कम है पसंद के लिए और भी कुछ बोल आप वो आपका शब्दकोश निकालिए मैं तो अभी आज थोड़ा बाहर हूँ तो मेरे पास शब्दकोश अभी सामने नहीं है। अच्छा आपका शब्दकोश कहाँ है चारुलता? उसमें क्या है शब्दकोश में क्या है इसे संस्कृत में से हिंदी या इंग्लिश है लेकिन इंग्लिश में से संस्कृत नहीं है तो वो बहुत टाइम लगेगा उसमें। उल्टा है उसमें इंग्लिश से संस्कृत है और हिंदी से संस्कृत है संस्कृत से हिंदी उल्टा नहीं है तो आप यदि इंग्लिश अच्छा, बाद में देखिए और हिंदी तो उसमें संस्कृत उसका ढूंढ अच्छा वो बाद में नेक्स्ट टाइम बोलेंगे अभी तो मेरे को खड़ा होना पड़ेगा दूर का बैट में है कबोर्ड में। तो अभी वही प्रश्न आप शिवानी जी से कीजिए अपना जवाब देके अगले से प्रश्न करना है रुकना नहीं है। अच्छा अच्छा किम करोमि
शिवानी महोदया। अब आप ये पूछ रही कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, तो आपने मैं नहीं, करोमी शिवानी महोदया। तो आपने किम करोमी पूछा, करोमी मतलब मैं क्या कर रही हूँ शिवानी महोदया, किम करोसी शिवानी महोदया। क्योंकि दोनों प्रश्न सही हैं, प्रश्न दोनों सही हैं, पर जो पूछेंगे उसी का जवाब मिलेगा। तो किम करोसी शिवानी महोदया, अहम संस्कृतम पठसी। पठसी कब लगता है? पठामी, सॉरी, पठामी, अहम संस्कृतम पठामी, फिलहाल पठामी, वदसी और लिखामी अभी वदामी, हाँ वो अभी हो रहा है। हाँ, होगा होगा, आपको तो और मौके मिल रहे हैं, सफाई कर रही है तो और भी 10 लोग मिलते होंगे, तो उनको बताते जाइए प्रक्षालनम करोमि। वो सतरंग की कथा है ना, उससे बहुत आता है हस्त प्रक्षालन। अभी अभी 5 हफ्ते हो गए और मेरी जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन की है, तो वो काफी टाइम जाता है उसमें। अच्छा, हम लोग पहले की सफाई चल रही है, कौन सी वाली, बीच पे? ये बीच पे नहीं, बीच की सफाई तो आसान होती है, हम लोग मैनग्रोव्स में जाके सफाई करते हैं। मैनग्रोव्स वो जो जड़े होती है ना, सी बीचेस के पास जंगल जैसा जो होता है, उसमें रूट्स जो होते हैं ना वो ऊपर की तरफ आते हैं। अच्छा, मैनग्रोव्स का ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे नेचर के लिए, हमारे लिए। जैसे मुंबई में इफ यू रिमेम्बर 2005 में ये जो बाढ़ आई थी मुंबई में, मुंबई फ्लड हो गया था पूरा, हाँ, 2-3 दिन बंद रहा। तो जब मैनग्रोव्स डिस्ट्रॉय होते हैं ना, तो समुद्र का पानी रुकता नहीं है। अच्छा, तो समुद्र का पानी के पानी को रोकने के लिए मैनग्रोव्स का होना बहुत जरूरी है। और मैनग्रोव्स में है ना एक मतलब लाइफ सेविंग, नेचर सेविंग स्पीशीज की भी पैदावार होती है। अच्छा, तो इसलिए मैनग्रोव्स को बचाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जाते हर शनिवार को उधर सफाई करते हैं, मतलब तमाम तरह की गंदगी हम लोग निकालते हैं। अगर मैं वो भारत ग्रुप में शेयर करती हूँ, पर कोई देखता नहीं है तो। अच्छा हाँ, मेरी ये शिकायत रहती है लोगों से कि भैया हम भारतीयों का क्या, भारतीयों का नहीं, आप तो अमेरिका का भी देख के यही लगता है कि भैया जब तक पानी मेरे घर तक नहीं पहुंचेगा ना, तब तक इंसान को विश्वास नहीं होगा कि बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ का, हाँ, ये मैं बाढ़ की बात नहीं कर, हर तरीके की बात है, हर तरीके में यही है कि जब तक खतरा मेरे घर तक नहीं पहुंचा ना, तो वो खतरा खतरा नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। वो सोते हुए लोगों के साथ तो वही मुश्किल है ना, जिनको हाँ, अपन सोचते हैं कि कोशिश करें कि जागे जागे, उनके लिए तो हम जहाँ एक जगह पे आजकल सफाई कर रहे हैं ना, वो मैनग्रोव से लग के जॉगर्स, ये है सर्कल है। अच्छा, पार्क नहीं बोल सकते, जॉगर स्ट्रीट जैसा है वो, वाटर बॉडी के आसपास सीमेंटेड वो बना दिया है, जॉगर्स पाथ बना दिया है। अच्छा, लोग आते जाते ना, ताली बजा के जाते, अरे डूइंग गुड वर्क, बट कोई आता नहीं। हम ये भी नहीं कहते कि जब हम 1.5 घंटे कर रहे हैं तो आप भी 1.5 घंटे करिए, नहीं, 15 मिनट भी आ जाइए हमारे साथ, आपको पता तो चले कि कहाँ पे हमको रुकना है, हमको क्या गंदगी नहीं करनी है। वहाँ पे ऐसे कोई पोस्टर लगाते हैं क्या आप लोग? मैं आपको एक पोस्टर, अब हम लोग का वही 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 अब हमारा वही चल रहा है कि एक तो हम टी शर्ट बनवाएंगे, हाँ वही अब हमारा चल रहा है कि बनाएंगे और कुछ वीडियोस, प्रमोशनल वीडियोस बना के पोस्ट करेंगे, सब करेंगे। अब थोड़ा मार्केटिंग। अच्छा, ये कोई एनजीओ नहीं है, ये सिर्फ सिटीजंस इनिशिएटिव है टू क्लीन योर सिटी। तो ये कोई एनजीओ नहीं है कि रजिस्टर्ड एनजीओ है, हमको फंड्स, हम खुद अपने जेब से पैसा खर्चा करते हैं।
हमको कोई गवर्नमेंट से फंड नहीं आ रहा है। तो वर्षा जी से बात कर लीजिए, वो एक छोटा पोस्टर मतलब मोबाइल वोबाइल पे शेयर करने लायक पोस्टर वो बड़ा जल्दी। मैंने एक्चुअली उसको मैसेज डाला हुआ था पर उसका रिस्पॉन्स आया नहीं, तो उसको शाम को कॉल करके देखिएगा, वो बिजी बहुत रहती है क्योंकि उसने उस कॉलेज चालू हो गया उनका और शाम को वो ऑप इंडिया के लिए काम करती है तो दो दो काम। अच्छा, वो ऑप इंडिया के लिए भी काम करने लग गई। हाँ, वर्षा जी ऑप इंडिया में। अरे वाह, अपनी वर्षा जी। हाँ सही। तो वो क्या आर्टिकल्स लिखती है या सिर्फ पिक्चर्स एडिट करती है? नहीं, ग्राफिक आर्टिस्ट की तरह काम कर रही है तो उनके चीजें उसमें ग्राफिक्स की तरह अलग अलग जगहों पे आती होंगी। ओके, ये बढ़िया है। अच्छा है, फिर उसको ही बोलूंगी कि भैया ऑप इंडिया के थ्रू ही हमको थोड़ा प्रमोट करवाओ। हाँ, एक्चुअली भाई तो एक बार उनसे बात हो तो उनसे ये वेन्यूज भी पूछ सकते हैं कि प्रमोशन के क्या ऑप्शंस हैं, अपन कुछ देख सकते हैं क्योंकि अपन बहुत सारे लोग अलग अलग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, तो यही नहीं, मैं और जो मेरे एक मेन साथी हैं मैनग्रूव्स जिन्होंने स्टार्ट किया, हम दोनों बकायदा शॉप्स पे जाके लोगों को हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में एजुकेट करते बताते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम। हाँ, ये हम करते दुकानों में जाके, जैसे कॉर्नेटोस का नाचोस हो गया, उसको दिखा करके कि भैया ये हलाल सर्टिफिकेशन है, इसको मत तुम लोग लाया करो अपने दुकान में, क्या नुकसान है, सब सब एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, बताते हैं। अभी देखा ना वो ग्राउंड लेवल एग्रीकल्चर क्या है, वो भारत का कृषि मंत्रालय ने हलाल जो है शब्द हटा दिया अपने उस। अब भी दो हफ्ते पहले ही आई थी समाचार। वो हलाल के ऊपर भी हम लोग बहुत रिग्रेस तरीके से काम कर रहे हैं। तो प्रमोशन के लिए अपने पास दो तीन जगह हैं ऑलरेडी, तो कोई यदि आर्टिकल लिखता है ऑलरेडी या किसी ने कुछ लिखा है तो आप मुझे वो अपना प्राइड ऑफ भारत है ना शेलवा, तो शेलवा को आप डायरेक्ट भेज सकती हैं यदि कोई आर्टिकल ऑलरेडी लिखा है उस पे किसी ने। और ओजस जी अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, तो देखो अपने पास लोग हैं, आपको जो टॉपिक है आप उसको टॉपिक समझाइए और वो आर्टिकल अच्छा लिख देंगे आपके लिए। अच्छा, फिर हम प्राइड ऑफ भारत पर पब्लिश करेंगे। और वर्षा जी से भी बात कर लेंगे, ऑप इंडिया पे भी कभी कभी आ जाएगा। वो कर सकते हैं। नहीं, ये तो अच्छा हो गया, आज ये तो पता चल गया कि वो ऑप इंडिया में काम करती है। बढ़िया, और ओजस जी बढ़िया लिखते हैं, तो मतलब आर्टिकल लिखवाना है तो आप ओजस जी को संपर्क करके उनसे बात कर सकती हैं। अभी तो ओजस जी कहीं बाहर थे, मेरी बात हुई थी, पर वैसे भी उनकी परीक्षा फरवरी में ही चालू हो रही है, पर ठीक है बीच बीच में उनको थोड़ा बहुत समय मिल जाता है तो हमारी बात होती रहती है कभी कभी। कपिल नहीं आ रहे? कपिल नहीं आता है? कपिल जी हाँ, एक दो हफ्ते से तो नहीं नजर आ रहे। हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई बीच में जो हफ्ता जैसे जाता है ना अपना मंडे से फ्राइडे, उस बीच कोई हम में से कोई भी अलग अलग लोगों को फोन करके बात कर लें कि क्लास में आने के लिए कि क्या हुआ कैसे क्या, तो एक दूसरे से संपर्क भी रहता है और लोग आने में इंटरेस्टेड रहते हैं। चारुलता जी तो बहुत रेगुलरली आ जाती है। हाँ, चारू जी तो आपको भी पकड़ लिया। और मैं अभी बड़ी हो गई, मैं रिटायर हुई इसलिए। मैं बड़ी होंगी ना तो मुझे आपके जैसे ही बड़े होना है, एकदम एनर्जेटिक एकदम उत्साहपूर्वक शक्ति से परिपूर्ण। हां, पढ़ोगे तो होता होगे। कैसे साल के थे भीष्म पितामह? युद्ध हुआ ना महाभारत का, 180 इयर्स के थे। एक और कृष्ण और अर्जुन 66 वर्ष साल के, लेकिन एवरग्रीन थे। हमें सारे से नहीं, वृत्ति से हमको यंग रहना है। हाँ भाई, उम्र तो यहाँ पे है, विचारों से। उम्र का कोई मतलब नहीं है, वृत्ति है ये। अब ये मीटिंग खत्म होने वाली है और अपना समय भी एक्सपायर होने वाला है,
तो आज के लिए हम अभी से सर्वेशाम नमो नमः कर लेते हैं, नहीं तो बोलने का न मौका मिलेगा, फिर आगे बातें करते हैं, पर ये मीटिंग अभी अपने आप जब भी खत्म हो जाएगी तो फिर रुक जाएंगे। तो अपन अच्छा वहाँ वो अयोध्या के लिए अभी चारुलता जी पूछ भी रही थी कि आप लोग अयोध्या जा रहे हो, तो और किसी ने अभी कुछ संपर्क किया क्या? नहीं नहीं, कल तक हम लोग को फाइनलाइज करना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ बुकिंग वगैरह कर पाएंगे। हाँ तो मैं आज दो चार लोगों को डायरेक्ट भी कॉल लगा के देख लूंगा, जो कि मुझे लगता है कि जिनसे मैं संपर्क कर सकता हूँ, जिनसे पहले भी अगर समय का की दिक्कत हो रही है ना अंशु जी, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको अप्रैल में शिफ्ट कर लेते। लोगों से पूछिए, ये मैं फिर आ जाऊंगी, मैं अयोध्या का ड्रॉप कर दूंगी, मैं तभी आ जाऊंगी, मैं सिर्फ प्रयागराज और बनारस घूम के आ जाऊंगी। हम आपको अकेले नहीं घूम देंगे। आप घूम के आ जाएं और हम रुके रहें। तो नहीं, नहीं, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि बाद में हम फिर आ जाएंगे, मैं भी फिर आ जाऊंगा बाद में, लेकिन अभी भी जाऊंगी इससे। अभी मौसम अच्छा है, अप्रैल के टाइम यही बात है, इस वक्त मौसम अच्छा है। हाँ। तो अगर अभी जा पाए तो अच्छा है, नहीं अगर बन रहा है तो फिर मैं अप्रैल में हम लोग सब मिलकर ट्रिप बनाएंगे। अब देखो ओजस जी जैसे मुझे कल कॉल किए, उनका जुलाई तक एग्जाम है, तो बोले कि जुलाई के बाद मैं खुद सबसे पहले सब जगह वो खुद भी ले जाना चाहते हैं, वहाँ द्वारका सोमनाथ तरफ गुजरात से उनका खुद का घर है, तो बोले कि अपन हमारे घर पे ही रुकेंगे, मतलब जैसे भी होगा इंतजाम, और दो तीन जगह उनने प्लान करके रखी है कि मैं घुमाऊंगा। माधवपुर, माधवपुर उसका गांव है, माधवपुर जहाँ पे कृष्ण रुक्मिणी की कृष्ण का शादी हुई थी रुक्मिणी से। माधवपुर नो मांडवो ने यादव कुलनी जान, रानी रुक्मिणी परणवा बेसे मन वांछित श्री भगवान। उसको चुना हुआ पति मिला ना, सिलेक्टेड पति मिला, इसलिए लव मैरिज उस जमाने का प्रेम विवाह। और ये लव लेटर बहुत अच्छा है पढ़ने जैसा है, संस्कृत सीखो और पढ़ो, दुनिया का फर्स्ट लव लेटर है वो, फर्स्ट हमारा तो वासी है वो, एकदम ताजा है हमेशा। रुक्मणि स्वयंवर में है ना वो? हाँ हाँ, रानी रुक्मणी परणवा बेसे मन वांछित श्री भगवान। उसको चुना हुआ पति मिला, मन वांछित, मन जो इच्छा करता वो पति मिला। बहुत लंबा है ये गीत, गुजराती में है। तो अंशु जी आप बात करिए, एटलीस्ट हमारे पास चार लोग हो जाए ना, तो हम लोग चलते हैं फिर। अंशु ने अंशु जी ने अभी माइक्रो एक सेकेंड, असल में एक और फोन चल रहा है, वो कुरियर वाले आए हैं। अच्छा आके ले आइए, ले आइए कुरियर। लाइए लाइए, जाके ले आइए, बात कर रहे हैं उनसे। रानी जी हमको सिल्वर मेडल भी मिला। हाँ मैंने देखा, बधाई हो, बधाई हो। नेक्स्ट ईयर हम 50 करने वाले, 50 का ग्रुप बनाना है नेक्स्ट ईयर, आप भी ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, 15 अध्याय अभी से पढ़ो, लर्न बाय हार्ट, 20 श्लोक है खाली, 20 श्लोक है ये टाइम, 12 वाथाणो। कभी कभी होता है आपका गीता क्लास? गीता जयंती मार्क्सर महीने में। अच्छा नहीं, और ये क्लास भी कुछ होता है गीता का, कुछ क्लास भी होता है? गीता नहीं, उसका एक मंडल है, उसमें जॉइंट हो जाने का व्हाट्सएप ग्रुप है, और हर वीक 5 प्रश्न भेजते हैं, उसका आंसर हमको देना है एवरी वीक। अच्छा अच्छा, हाँ गीता पढ़ने का बस। ठीक है आप भेजे वो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप लिंक, ज्वाइन करते हैं। हाँ हाँ, किस चीज की? कोई गीता गीता प्रचार मंडली जगन्नाथ ट्रस्ट ओडिशा। हाँ गीता प्रचार मंडली जो है, वो बढ़िया है। अभी बहुत हार्ड क्वेश्चन आए हैं, अभी 5 आए हैं क्वेश्चन, एक ही इजी है 15 अध्याय का नाम, बाकी बहुत हार्ड है। पूरी गीता उछल पथल करो तो मिलता है। भक्त कितने प्रकार के हैं और कितने प्रकार की भक्ति है, वो एक क्वेश्चन है। चलिए अभी टाइम खत्म होने वाला है, अंशु जी
आप बात कर लीजिए लोगों से, अगर चार या पांच लोग भी हो गए ना तो काफी है। हाँ, मजा आएगा फिर। तो कल तक हम लोग फाइनलाइज कर ले, और कल शाम को अगर हम, मैं तब तक देखती हूँ क्या अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हमको बुकिंग्स भी करने पड़ेंगे। हाँ, मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ और तो कौन। वो आप मुझे आज कल शाम तक बता दीजिए, है ना। हाँ। और बीच में मैं भी बात कर लेती हूँ जहाँ पे भी बुकिंग का पॉसिबिलिटी होता है, वो चेक कर लेती हूँ मैं। ठीक है, चलिए। सर्वेषां नमो नमः। सर्वेषां नमो नमः। जय सियाराम। जय सियाराम। ओ जो आपने तिलक का बताया ना।